ये हमारा शोषण है। हमारी नियुक्ति छल के द्वारा की गई है, जब नियुक्ति के और हमारे प्रोत्साहन राशि भी समय में नहीं मिलती है। हमें अपने परिवार के सहयोग के लिए मानदेय निश्चित करना होगा। हम लोगों का दयनीय स्थिति हो गया है भैया, हम लोग घर परिवार चलाने में असमर्थ है, भुखमरी की स्थिति हो गई हम लोगों में। इसी के लिए आज हम लोग रोड में जो है आज हम लोग भीख मांगने का जरूरत पड़ गया है। और हमको लगता है कि आज जो भीख मांग रही है आगे चल के दिल्ली तक हम लोग भीख मांगेंगे। अब भीख मांगने के अलावा कोई चारा हम लोग के पास नहीं। सरकार हम लोगों का बहुत खराब निर्णय करती है। अगर हम लोगों का सरकार मांग नहीं मानती है तो हम लोग प्रतिदिन जो है इसी तरह का भीख मांगेंगे। अब झारखंड में कितने लोग आप लोग हैं? आज हम लोग पूरा 18,000 स्वयं सेवक है और जरूरत पड़ा तो यही 18,000 परिवार के साथ भीख मांगेंगे हम लोग। क्या मांगे आप लोग? हम लोग की मांगे है हम लोगों की सेवा नियमित की जाए और हम लोगों का मानदेय 18,000 रुपया दिया जाए। यह सरकार से मांग है। 29 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग राजभवन के पास बैठे हुए हैं, पर सरकार की अंधी लुंगड़ी की सरकार, लंगड़ी की सरकार, बहरी की सरकार न हम लोगों से वार्ता की है, न इसका विभाग का कोई आदमी हम लोग से वार्ता किया है। मजबूरन हम लोग को भीख मांगने को करना पड़ेगा। 2.5 वर्ष पहले नियुक्ति की थी लेकिन आज तक हम लोग को ना तो सही से प्रोत्साहन राशि दी गई है, ना वेतन दिया गया है। हम लोग दिन भर में 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। अन्य कामों से अलग हो गए हैं। हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई कि हम लोगों का घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया, इसलिए हम लोग भिक्षाटन के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भिक्षाटन का प्रोग्राम किया।